नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर। देवारी देव महादेव की हम सब पर कृपा बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के रक्षाबंधन स्पेशल कार्यक्रम में। आज मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताऊंगा, जिसको करने से आप अपने जीवन को सुखी, संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि विशेष त्योहारों के दिन किए जाने वाले उपाय जल्दी और अच्छे रिजल्ट देते हैं। वैसे भी रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को जो आता है, और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाएं लिए हुए होते हैं, और हमारी धरती पर चंद्रमा का पूर्णिमा के दिन और रात्रि पर इसका सीधा असर होता है। इसीलिए आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, यदि आपने आज के दिन कर लिए तो आपको धनी और स्मृत होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि बहनें अपने भाई को उनकी राशि के अनुसार कौन से रंग की राखी बांधकर उनके करियर को उच्च मुकाम तक पहुंचा सकती है। साथ ही बदले में भाई भी अपने बहनों को उनकी राशि के अनुसार गिफ्ट देके उनके जीवन में सुखी और संपन्नता ला सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन के महत्व के बारे में। उत्तर भारत में 3 त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत रक्षाबंधन, दीपावली और होली शामिल है। रक्षाबंधन हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बनाया जाने वाला भाई बहनों का एक त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और भाई के सिर पर तिलक लगा के उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की हर विपत्ति की रक्षा करने के लिए वचन देता है। और रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम ही नहीं, बल्कि आपसी विश्वास का त्यौहार है। स्वयं महालक्ष्मी द्वारा राजा बलि को यह रक्षा सूत्र बांधा गया था, तब से यह पवित्र त्यौहार राखी के रूप में बनाया जाता है। और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने के हाथ में चोट लगी थी, तब द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर उनके हाथों में बांधा था। उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मानकर उनकी रक्षा का वादा भी किया था। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी बहनों को अपने भाई के लिए हमारे पौराणिक शास्त्र के अनुसार वैदिक राखी बांधने की सलाह दूंगा। इस वैदिक राखी में वैदिक सूत्र बंधे हुए हैं, और इस वैदिक राखी से अंदर आपको क्या करना है, थोड़ी सी दुर्वा लेनी, जिसे हम हरी घास या दूब भी कहते हैं, और थोड़े अक्षत यानी चावल, चंदन, केसर और कुछ सरसों के दाने। इन 5 वस्तुओं को रेशमी कपड़े में बांधकर सिलाई कर दें, और फिर इसे कलावा मान के उसे पिरो दें, और हो गई आपकी वैदिक राखी। इस वैदिक राखी का क्या लाभ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या ली थी, दुर्वा। जिस प्रकार दुर्वा के अंकुर बो देने पर तेजी से फैलते हैं और हजारों संख्या में उग जाते हैं, उसी प्रकार की ये दुर्वा आपके भाई की तरक्की में हजारों गुना वृद्धि करेगी, और भाई बहनों के प्रेम में भी हजारों गुना विकास होगा। साथ दुर्वा गणेश जी को प्रिय है, जिससे विघ्न हरण करता विघ्नों का नाश भी करेंगे। सेकेंड चीज हमने ली थी अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी खंडन नहीं होता। इसीलिए इसका प्रयोग करने से भाई बहनों के बीच प्रेम में कभी भी खंडन नहीं होगा, और दोनों के बीच में एक अटूट प्रेम बना रहेगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है, केसर। इसकी प्रकृति तेज होती है और इससे आकर्षण में वृद्धि भी होती है। इसका प्रयोग यदि आप राखी के अंदर करेंगे तो आपके भाई के आकर्षण और वर्चस्व में अवश्य वृद्धि होने वाली है। चौथा चीज़ मैंने आपको बताया, चंदन। चंदन शीतलता प्रदान करता है। इसका प्रयोग करने से भाई बहनों के बीच में हमेशा शीतलता बनी रहेगी। पाँचवीं चीज़ है सरसों के दाने। सरसों के दाने नेगेटिविटी को दूर करते हैं, जिससे यदि भाई बहनों के बीच किसी कारण से कोई गलतफहमी या नेगेटिविटी आई है तो इसका प्रयोग करने से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इसीलिए मेरे सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि आप अपने भाइयों को उनकी राशि के कलर की राखी के साथ साथ ये वैदिक सूत्र भी अवश्य बांधें। अब मैं आपको आपके भाई की राशि के अनुसार कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए उसके बारे में बताता हूँ, ताकि उनको मिल सके जीवन भर तरक्की। यदि आपके भाई की राशि मेष है तो आप अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधें, और मिठाई में अंजीर की मिठाई खिलाएं, और लाल कुमकुम का तिलक करें। इससे आपके भाई की राशि मजबूत होगी और आपके भाई के जीवन में उत्साह का संचार होगा। इसके अलावा आप चाहें तो केसर या पीले रंग की राखी का चयन कर सकती हैं। यदि आपके भाई की राशि वृषभ है तो उनके लिए चमकीले रंग की राखी बांधें, और यदि आप सक्षम हो तो अपने भाई को चांदी की राखी भी बांध सकती हैं। इस साथ ही मिठाई के अंदर भाई को रसमलाई खिलाएं और सफ़ेद चंदन का तिलक करें। इससे आपके भाई के जीवन में टेंशन और स्ट्रेस कम होगा और उनके जीवन में आएगी शांति। अब जिनके भाई मिथुन राशि के हैं, उनके लिए आप हरे रंग की राखी बांधें, और आपके इससे भाई के विकास में बुद्धि और दोनों का विवेक में वृद्धि होगी और जीवन में खुशहाली आएगी। मिठाई के अंतर्गत इलायची की बनी मिठाई खिलाएं और कुमकुम का तिलक करें।
यदि आपके भाई की राशि कर्क है तो उन्हें सफेद रेशमी धागे की राखी बांधें। आप चाहें तो चमकीले मोतियों से बनी राखी भी बांधी जा सकती है। मिठाई के अंतर्गत रसमलाई खिलाएं और तिलक करते समय सफेद चंदन का प्रयोग करें। इससे आप दोनों के आपसी जो संबंध है वो मजबूत होंगे और भाई बहनों के स्नेह में वृद्धि होगी। जिनके भाई की राशि सिंह है उनको मैरून रंग की राखी बांधें और साथ ही साथ मैरून रंग की राखी के साथ आप अंजीर से बनी मिठाई खिलाएं। इससे आपके भाई के मनोबल में वृद्धि होगी और भाग्य चमकेगा। यदि आपके भाई की राशि कन्या है तो उनके लिए आप हरे रंग की राखी लें और मिठाई में पिस्ता से बनी मिठाई खिलाएं और कुमकुम के साथ हरे रंग का जो गुलाल होता है उसका भी तिलक अवश्य करें। इससे आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो हमेशा अटूट बना रहेगा। यदि आपके भाई की राशि तुला है तो उनके लिए आप चमकीले रंग की या चांदी से बनी राखी बांधें, मिठाई के अंतर्गत रसगुल्ले खिलाएं और सफ़ेद चंदन का तिलक करें। इससे आप दोनों का रिश्ता तो अटूट रहेगा रहेगा, साथ ही साथ आपके भाई के जीवन के अंदर सफलता है वो उच्च कोटि तक पहुँचेगी। यदि आपके भाई की राशि वृश्चिक है तो उनके लिए लाल रंग की राखी बांधें और कलाकंद से बनी मिठाई खिलाएं। इससे उनका मन शांत रहेगा और भाई की एजुकेशन, करियर और बिजनेस में भी तरक्की होगी। साथ ही साथ लाल चंदन का तिलक भी अवश्य करें। यदि आपके भाई की राशि धनु है तो आप उनके लिए पीले रंग की राखी बांधें और मिठाई के अंतर्गत पंचमेवे की चक्की खिलाएं और हल्दी का तिलक करें। इससे आपके भाई के अंदर पूरे साल तरक्की बनी रहेगी और आपका भाई के जीवन में शांति और शत्रुओं का नाश होगा और उनकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। अब हम बात करेंगे जिनके भाई की राशि मकर है, उनके लिए स्काई ब्लू कलर की राखी बांधें और मिठाई के अंदर चॉकलेटी मिठाई खिलाएं। इससे उनकी डिसीजन पावर बढ़ेगी और नेगेटिव थॉट्स से उनकी रक्षा होगी। यदि आपके भाई की राशि कुंभ है तो उन्हें रुद्राक्ष से बनी माला जो सॉरी यदि आपके भाई की राशि कुंभ है तो उन्हें रुद्राक्ष से बनी राखी का चयन करें। यह आपके भाई के लिए शुभ फलदायी रहेगी। साथ ही उन्हें नीले रंग की राखी भी बांध सकते हैं और नीले रंग का जो गुलाल होता है इसका तिलक भी करें और मिठाई के अंदर का पंचमेवे से बनी चक्की खिलाएं और थोड़ा सा शहद अवश्य खिलाएं। इससे आपके भाई की लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी और उसका लक साथ देगा। अब जिन जातकों की मीन राशि है उनकी बहनें उनके लिए पीले रंग की या सफ़ेद रंग की राखी का चयन करें और साथ ही साथ अपने भाई को हल्दी का तिलक लगाएं। इससे उन्हें पूरे वर्ष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिठाई के अंदर काजू की कतली खिलाएं। अब मैं आपको अपनी बहन के जीवन में खुशियां आए और बदले में उनको क्या गिफ्ट देना है वो बताता हूँ। यदि आपकी बहन की राशि मेष है तो उन्हें एक ब्रांडेड हैंडबैग गिफ्ट करें और जिनकी बहन की राशि वृषभ है उनको परफ्यूम गिफ्ट करें। मिथुन राशि वाले बहनों के लिए आप उनको स्वयं की एक फ़ोटो दे सकते हैं, उस फोटो को एडिट करा के उसके पीछे हरियाली वाला जो बगीचा हो वो अगर फोटो उन्होंने आपको दे दी तो आपकी बहन की किस्मत के अंदर तारे तारे लग जाएंगे। और आप अपनी बहन की राशि यदि कर्क है तो रक्षाबंधन के दिन उन्हें मोतियों से बना हार गिफ्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिन भाइयों की बहनों की राशि सिंह है वो भाई अपने बहन को एक एंटिक पीस या लकड़ी से बनी वस्तु उपहार में दे सकते हैं। साथ ही जिनकी बहन की राशि कन्या है उन्हें पन्ने की अंगूठी या गणेश जी की मूर्ति उपहार में दें। इससे उनके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। जिन बहनों की राशि तुला है उनके लिए संगमरमर से बनी वस्तु गिफ्ट करें और वृश्चिक राशि वालों के लिए आप यदि आपकी बहन स्कूल जाती है तो उन्हें वाटर बोतल या टिफिन गिफ्ट करें। यदि बड़ी है तो एक गोल्डन रंग की रिस्ट वॉच गिफ्ट करें। अगर आपकी बहन की राशि धनु है तो रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहन को धार्मिक पुस्तकें उपहार दे सकते हैं और यदि आपकी बहन कॉलेज जाती है तो एक लैपटॉप गिफ्ट करना भी उनके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों की बहनें जिनके हैं उनको मोबाइल गिफ्ट दें और साथ ही साथ जिनकी बहन की राशि कुंभ है और स्कूल जाती है तो उन्हें अच्छी सी कोई डेकोरेटिव साइकिल गिफ्ट करें और बड़ी है तो किसी से अच्छे पार्लर का वाउचर गिफ्ट करें। और अंत में जिन बहनों की राशि मीन है उन्हें फिश एक्वेरियम का उपहार दे सकते हैं या फिर उनकी पसंद की ड्रेस देना भी अच्छा रहेगा। यदि आपने अपनी बहनों को उनकी राशि के अनुसार गिफ्ट दिया तो यह गिफ्ट उनके जीवन में 100% सदाबहार और सुख समृद्धि लेके आएगा और उनके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो यकीनन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बताता हूँ जिससे आपको आर्थिक संकट से छुटकारा मिल सकेगा। आज के दिन आपको शिवलिंग पर पंचामृत यानी दूध दही घी शहद से शिव जी का अभिषेक करना और सफ़ेद रंग की मिठाई खिलानी, क्योंकि आज का दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन शिव जी का अभिषेक करने से आपके आर्थिक संकटों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ आपको धन के देवता जो कुबेर देवता है उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि धन के कुबेर देवता शिव जी के सेवक है और शिव जी की सेवा करने से आपके ऊपर कुबेर देवता की मेहरबानी होगी और धन के भंडार खुल जाएंगे। इसके साथ ही
यदि जिन जातकों को शनि के साढ़े साथी चल रही है वो भी आज के दिन शिव जी की आराधना करें, इससे आपको शनिदेव की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव भी शिव जी के परम भक्त हैं। और श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर के साथ साथ शनि भगवान का प्रिय मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सरश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करके शनि के साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष, सर्प दोष या विष दोष स्थित हो, तो आज रक्षाबंधन के दिन, जो कि श्रावण मासी की पूर्णिमा भी है और चंद्रमा का मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा भगवान शंकर के सिर पर विराजमान है, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए शिव जी को कच्चा दूध में मक्खन मिश्री मिलाकर जल अर्पित करें और रात्रि के समय चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर आपकी सारी चिंताओं से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। और आज की रात्रि आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 जाप अवश्य करना चाहिए, इससे आपकी ज़िंदगी में चल रही सारी टेंशन स्ट्रेस समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को मेरी ओर द्वारा बताए गए टिप्स और टोटके से एक दूसरे जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो और धन दौलत कामयाबी मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही है तो नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर से अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।